नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। जुर्म का पर्दाफाश। इस वक्त की बड़ी खबर आजमगढ़ जनपद से। रानी की सराय में लगा ऐतिहासिक मेला। जी हां, आजमगढ़ जिले में रानी की सराय बाजार का ऐतिहासिक दुर्गा पूजा मेला गुरुवार को लगा। पूजा कमेटियों ने तैयारी पूरी कर ली थी। एक दर्जन पूजा कमेटियों द्वारा दुर्गा प्रतिमाओं के पट खोल दिए जाने से देवी मां के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ एक दिन पहले ही उमड़ पड़ी थी। पूरे कस्बे को विद्युत झालरों से जगमग किया गया था। मेले में भीड़ को देखते हुए रूट डाइवर्ट भी कर दिया गया था। पूर्वांचल ग्रामीण क्षेत्रों के मेले में यहां के मेले का विशिष्ट स्थान है। दूर दराज की दुकानें एक दिन पूर्व में ही लग गई थी। जगह सुरक्षित करने की भी होड़ लगी थी। मेले में हस्तकला से निर्मित वस्तुओं की भी बिक्री खूब हुई। इस बार भी कस्बे में भारतीय युवक संघ, नव युवक मंगल दल, आजाद दल, नवयुवक संघ, तरुण दल व सम्राट दल सहित कुल एक दर्जन पूजा कमेटियों द्वारा प्रतिमा स्थापित की गई थी। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में पूजा कमेटी कोई कसर नहीं छोड़ी। सजावट भी ऐसी की शाम होते हुई आकर्षक विद्युत झालरों की झिलमिलाहट से पूरा कस्बा नहा उठा था। पश्चिम बंगाल के कलाकारों ने भी प्रतिमा को आकर्षक बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वाराणसी मुख्य मार्ग पर लगने वाले मेले के कारण बुधवार को ही रूट डाइवर्ट कर दिया गया था। रानी की सराय थाना प्रभारी केशव द्विवेदी ने बताया कि वाराणसी और इलाहाबाद से आने वाले वाहन मोहम्मदपुर से फरिया होते हुए एवं जिला मुख्यालय से मेहनगर होते हुए बड़े ही वाहन निकले, क्योंकि बुधवार की दोपहर से ही मेले की भीड़ तीसरे दिन तक चली। मुख्य मार्ग पर ही सजावट बल्ली के चलते जाम से भी लोग परेशान रहे। आइए देखते हैं आजमगढ़ से इंडिया पावर न्यूज की एक रिपोर्ट।